और ये हम चले भाई अपनी फॉर्चुनर के साथ। 3 2 1। और भाई ओहो, तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो भाई हम वापस आ चुके हैं अपनी इंडियन कार के साथ, और भाई आज हम इन्हीं इंडियन कार के साथ करने वाले हैं एक्सट्रीम वाटर टेस्ट। तो भाई ये टेस्ट भाई एक्सट्रीम क्यों होने वाला है भाई, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो भाई, हम खड़े हुए हैं इस वक्त भाई समंदर के किनारे, और भाई सबको पता होगा भाई समंदर का पानी कितना ज़्यादा गहरा होता है। और भाई हमने यहाँ पर ना ही कोई रास्ता बनाया है और ना ही ये कोई नदी है भाई, जिससे आपको लगे कि भाई बहुत आराम से गाड़ी अपनी निकल जाएगी। ये पानी बहुत ही ज़्यादा गहरा है भाई, ये देखो कितना गहरा है भाई। यहाँ पे गाड़ी तो क्या भाई, बस भी डूब सकती है, और मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक बस भी खड़ी करके रखी है। तो भाई आप लोग देख लो कि ये जो अपनी बस है भाई कितनी ज़्यादा ऊँची है भाई अपनी फॉर्चुनर से। उसके बाद भी भाई मैं इस बस को अगर यहाँ पर डालूंगा ना भाई, ये देखना क्या होगा भाई, सीधा डूब जाएगी भाई ये अंदर। ये थोड़ा सा रैम्प पर रख गई है इस वक्त, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो। तो गैस आप लोग देख सकते हो भाई कितना गहरा समंदर है ये। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ वापस भाई, इसको तो यहाँ पे वापस खड़ी कर देते हैं। तो गैस मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ भाई हमें करना क्या है। भाई हमें करना ये है कि भाई यहाँ से अपनी इंडियन कार जाएगी, सीधा जाएगी, उसके बाद भाई इस रैम्प तक जो गाड़ी पहुँच के भाई इस रैम्प पर चढ़ जाएगी और यहाँ पर पहुँच जाएगी भाई, वो हो जाएगी भाई अपने इंडियन कार एक्सट्रीम वाटर टेस्ट की विनर। तो भाई मैं जल्दी से भाई अपनी कार्स को सेट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई हमें रास्ता चाहिए होगा कि एक रनवे चाहिए होगा भाई हमारी गाड़ी को, जिससे भाई अपनी गाड़ी स्पीड पकड़ पाए। क्योंकि भाई अगर धीमी स्पीड में जाएगी तो भाई कोई भी गाड़ी अपनी ये टेस्ट पार नहीं करने वाली है। तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ियाँ सेट कर ली हैं भाई। तो राइट साइड भाई हमारी खड़ी हैं भाई बड़ी और दमदार गाड़ियाँ, और लेफ़्ट साइड खड़ी हैं भाई अपनी हैचबैक्स। तो भाई यहाँ पे भाई मैं सीधा सा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे फ़ायदा उन गाड़ियों को होने वाला है भाई जो गाड़ियाँ अपनी हल्की हैं, तो भाई जैसे कि अपनी स्विफ्ट। तो भाई मैं जो अपनी पहली गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ भाई सबसे पहले स्विफ्ट को ही लेता हूँ भाई, क्योंकि भाई अपने को लगता है भाई स्विफ्ट आराम से पार कर जाएगी। और ये क्या भाई माइकल, उससे भी हल्की गाड़ी में बैठ चुके हैं यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे भाई अपनी स्विफ्ट रेडी हो चुकी है भाई एकदम, तो अब चलते हैं देखते हैं क्या होता है। तो 3 2 1 और ये हम चले भाई, और देखते हैं भाई अपनी स्विफ्ट क्या है, ये वहाँ पहुँच पाती नहीं। ओ भाई तो देख सकते हो भाई कितना गहरा पानी है भाई, वो अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। और ये क्या भाई, यहाँ पे भाई अपनी स्विफ्ट डूब गई भाई, और भाई ये बंद पड़ चुकी है। तो भाई अपनी स्विफ्ट भाई यहाँ पे हो जाती है भाई अपने इस टेस्ट से फेल। तो भाई इसको खड़ा करते हैं, मैं इसको निकलवाता हूँ, इसको साइड में खड़ा करते हैं अब। तो गैस जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई, यहाँ पर अपनी नई वाली स्विफ्ट भाई बुरी तरीके से फेल हो गई। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ भाई अब उठाता हूँ भाई अपनी पुरानी वाली स्विफ्ट, तो देखते हैं क्या पता अपनी पुरानी वाली स्विफ्ट निकल जाए। और भाई मैं अपनी स्विफ्ट को भाई इसको वहाँ पे सेट कर लेता हूँ, और भाई क्या ड्रिफ्ट मारी भाई अपनी स्विफ्ट ने। तो भाई ये रहा रैंप, और ये हम चले भाई अपनी पुरानी वाली स्विफ्ट के साथ। और भाई ओहो भाई 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 भाई, तो भाई ये तो तैर रही है भाई पानी में, ज़्यादा ही हल्की भाई मुझे लग रहा है ये। और भाई जैसा कि आपने देखा मेरी सोच से भाई एकदम उल्टा हो रहा है यहाँ पे। मैंने सोचा था हल्की गाड़ियों को आसानी होगी, यहाँ पे भाई हल्की गाड़ियों को उतनी ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो भाई यहाँ पे भाई अपनी स्विफ्ट भी भाई फेल हो चुकी है, तो मैं इसको भी वापस यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। तो भाई बड़ा ही गलत सीन हो गया यहाँ पर भाई, जो गाड़ियाँ भाई एक्सपेक्टेड थी कि निकल जाएंगी और वही यहाँ पर फेल हो रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई अब उठाता हूँ भाई एक भारी भरकम गाड़ी, तो मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ एक नेक्सॉन उठाता हूँ, और देखते हैं भाई अपनी नेक्सॉन यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। तो भाई यहाँ पे मेरी नेक्सॉन भी सेट हो चुकी है, तो घुमा लेते हैं अब। और ये भाई चलिए अपनी टाटा नेक्सॉन, देखते हैं भाई कैसा परफॉर्म करती है ये। और भाई 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 अपनी टाटा नेक्सॉन भी एकदम डूब गई है भाई, देख सकते हो कितनी नीचे आ गई है ये। तो भाई ये देख सकते हो भाई अपना ये जो वाटर टेस्ट भाई कितना ही ज़्यादा एक्सट्रीम है भाई। भाई अपनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे फेल होती क्यों दिख रही हैं यार। तो भाई मैं सोच रहा हूँ भाई अब जो गाड़ी मैं उठाऊँगा वो होगी भाई अपनी, इस बार वरना उठाता हूँ भाई, क्योंकि वरना बहुत ही नीची गाड़ी है और ये सेडान है, और अगर भाई वरना नहीं निकल पाई तो मुझे नहीं लगता भाई अपनी सिटी भी निकल पाएगी। तो यहाँ पर भाई अपनी वरना भी सेट हो चुकी है एकदम, और 3 2 1 और ये हम चले भाई अपनी वरना के साथ, और देखते हैं आप अपनी वरना क्या कमाल दिखाती है। ओहो भाई
ओ भाई अपनी वरना भाई ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी भाई। ये देखो भाई रैंप पर रख गई थी पूरी और वहाँ पे भाई बंद पड़ गई यार। ये भी तो बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो रहे हैं भाई अपनी वरना के साथ यहाँ पे। तो भाई मुझे लगा था भाई अपनी वरना भाई पार कर सकती है, लेकिन भाई अपनी वरना भी यहाँ पे फेल हो गई। तब होंडा सिटी देखते हैं कि क्या अपनी होंडा सिटी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। तो भाई ये अपनी होंडा सिटी यहाँ पे सेट हो गई है और 3 2 1 पूरी रेस दे रहा हूँ मैं यहाँ पे अपनी होंडा सिटी को। किसकी स्पीड वैसी बहुत ही ज़्यादा धीमी है। ओहो ओ भाई, तो भाई अपनी होंडा सिटी भाई हुंडई वरना से आगे आ गई थी यार। ऑलमोस्ट भाई अपनी हुंडई वरना से आगे आ गई थी भाई। पानी ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है यार। अगर मैं इसको यहाँ पे खड़ा करूँ तो देख सकते भाई कितना गहरा पानी है भाई। 3 होंडा सिटी भाई अभी इसके नीचे आ सकती है भाई, इतना गहरा पानी है यार ये। तो सोच लो भाई कितना ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाटर टेस्ट है यार ये। तो अपनी अगली कार की तरफ चलते हैं। तो भाई इस बार सोच रहा हूँ भाई सीधे से भाई अपनी फॉर्च्यूनर को उठाता हूँ और देखता हूँ भाई अपनी फॉर्च्यूनर क्या कमाल दिखाती है यहाँ पे। तो भाई जहाँ तक तो मुझे लग रहा है भाई अपनी फॉर्च्यूनर निकल ही जानी चाहिए यहाँ से। अगर ये अटक गई तो भाई क्या ही होगा भाई, फिर क्या ही होगा। तो यहाँ पे भाई मेरी फॉर्च्यूनर सेट है और ये हम चले भाई अपनी फॉर्च्यूनर के साथ 3 2 1। और भाई ओ भाई भाई अपनी फॉर्च्यूनर भाई भाई कितनी ज़्यादा आगे आ गई थी यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई कि अपनी वेन्यू कैसे पहुंच गई यार, ऐसे कैसे पहुंच गई अपनी वेन्यू। तो भाई यहाँ पे भाई अपनी फॉर्च्यूनर को भी निकालते हैं यार अब। तो भाई मुझे लगा था भाई कि अपनी फॉर्च्यूनर तो पहुँच ही जाएगी यार, लेकिन भाई यहाँ पे भाई अपनी फॉर्च्यूनर भी देख सकते हो पूरी भीग के ख़राब हो चुकी है। तो भाई अब भाई मामला गड़बड़ लगता जा रहा है और अब मैं उठा रहा हूँ भाई अपनी हुंडई वरना और देखते हैं भाई अपनी वरना क्या पार कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो ये भाई अपनी वरना में बैठ चुका हूँ और ये सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है भाई। सिर्फ एक गाड़ी अभी तक पार कर पाई है भाई, सिर्फ एक गाड़ी पार कर पाई है भाई। ऐसे कैसे चलेगा यार, कम ऑन क्रेटा कम ऑन भाई। ये कर देगी तो यार एटलीस्ट 1 सेकेंड कार वहाँ पर पहुँच जाएगी। और भाई अपनी क्रेटा यहाँ पहुँच चुकी है भाई, क्या बात है। ओहो उल्टी हो गई, लेकिन भाई यहाँ पहुँच गई थी भाई अपनी क्रेटा, सीधी हो जा। तो भाई क्या कोइंसिडेंस है भाई, अपनी दोनों गाड़ियाँ दोनों ही हुंडई की और दोनों ही ब्लू कलर की। तो भाई यहाँ पे अपनी दो गाड़ियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो भाई देख सकते हो भाई अपनी कुछ विनर गाड़ियाँ ऐसी दिख रही हैं भाई। फिलहाल अभी विनर नहीं, अभी और भी गाड़ियाँ बची हुई हैं। तो चलते हैं भाई वहाँ पे। तो गैस अब बारी आती है भाई अपने एंडेवर की और देखते हैं भाई कि क्या अपने एंडेवर कुछ कमाल दिखा पाती है कि नहीं दिखा पाती है। तो गैस यहाँ पे अपनी अगली गाड़ी यानी कि भाई अपनी फोर्ड एंडेवर यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो देखते हैं भाई अपनी फोर्ड एंडेवर क्या कमाल करती है। तो ये हम चले एंडेवर साथ 3 2 1। और भाई यहाँ तक अपनी इंडेवर ने कर दिया भाई, तो भाई फॉर्च्यूनर को तो बड़ा भारी नुकसान। ओ भाई, तो भाई यहाँ पे अपनी इंडेवर निकल आई है भाई इस बार। तो भाई देख लो भाई इंडेवर हर बार बेकार परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पे जब पानी की बात आई तो भाई अपने इंडेवर ने भाई कसम से फाड़ दिया भाई। जितने अच्छे से भाई इसने पार किया भाई, इससे अच्छे से भाई शायद ही किसी गाड़ी ने पार किया होगा। तो भाई बहुत अच्छे से किया है भाई अपने इंडेवर ने, अब तक का बेस्ट जो किया है भाई अपने इंडेवर ने किया है। तो चलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार की तरफ। तो गैस इस बार लिए मैंने अपनी नन्ही मुन्नी गाड़ी। तो देखते हैं भाई ये गाड़ी क्या कर पाती है। वैसे मुझे इससे उम्मीद है तो भाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन केस अगर पार कर गई तो भाई जैसे कि मुझे लगा था भाई ये गाड़ी बहुत ही हल्की है। और मैं देख रहा हूँ भाई अपनी हल्की गाड़ियाँ ही फेल हो रही हैं यहाँ पे। और भाई ये देखो भाई कितनी अच्छी नन्ही मुन्नी गाड़ी है भाई यहाँ पे अपनी। तो भाई इसको बाहर निकाल लेते हैं, वैसे भी मुझे इससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई इस बार भाई मुझे अपनी फॉर्च्यूनर ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया भाई। मुझे फॉर्च्यूनर से ये उम्मीद नहीं थी कि भाई वाटर टेस्ट में ऐसा करेगी। मुझे लगा था भाई अपनी फॉर्च्यूनर तो कर ही देगी। तो भाई अब मैं ले रहा हूँ भाई अपनी वैगनार।
तो भाई वैगनार भी हल्की गाड़ी है, तो मुझे लग रहा है भाई वैगनार भी अपनी दिक्कत दे सकती है, लेकिन अगर पार कर गई तो भाई अपनी बाकी गाड़ियों के मुंह पे तमाचा होगी ये। तो ये हम चले, ओहो चल 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 चल, अरे भाई बंद हो गई, बंद हो गई भाई, तमाचा नहीं दे पाई। खैर कोई बात नहीं यार, निकाल देते हैं इसको भी यहाँ से। तो भाई अब अपनी अगली आखिरी गाड़ी बची है भाई अपनी टाटा सफारी, और टाटा सफारी एक अच्छी खासी भारी कार है, तो मुझे लग रहा है भाई कि अपनी टाटा सफारी ये एक्सट्रीम टेस्ट कर पाएगी। तो भाई ये मैं अपनी टाटा सफारी में बैठ चुका हूँ, और ये हम भाई गेट क्यों नहीं बंद है टाटा सफारी का, गेट ही नहीं बंद किया भाई, गेट से तो पानी अंदर आ जाएगा जल्दी। खैर कोई नहीं, यहाँ पे फिजिक्स नहीं लगाएंगे हम, जंप करेंगे। तो ये हम चल रहे टाटा सफारी के साथ, 3 2 1। ओहो तो भाई टाटा सफारी काफ़ी आगे तक आ गई थी और ये यहाँ पे आके बंद हो गई यार। तो भाई ये भी अब आउट होती है। तो गैस जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई कि अपनी ज़्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे फेल हो गई हैं भाई, तो अपनी टाटा सफारी, अपनी वैगनार, यहाँ पे अपनी ऑल्टो भी, फॉर्चुनर भी, होंडा सिटी, ह्यूंडई वरना भी भाई, यहाँ तक कि भाई नेक्सॉन भी फेल हो गई है भाई, और यहाँ पे भाई अपनी पुरानी वाली स्विफ्ट और नई वाली स्विफ्ट दोनों ही यहाँ पे फेल हो गई हैं अपने वाटर टेस्ट में। तो गैस हमारे इस टेस्ट में जो गाड़ियाँ पास हुई हैं भाई वो है भाई अपनी ह्यूंडई ऑरा, अपनी ह्यूंडई क्रेटा और भाई अपनी फोर्ड एंडेवर। तो भाई ये गाड़ियाँ भाई पास हो गई हैं। तो गैस उम्मीद है भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।